सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया न्यूज़ लेकर आ चुका हूँ। एंड आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग फ्रॉन्क्स का वेट कर रहे हैं एंड अच्छी खासी हाइप बन रखी है इस कार की। तो काफ़ी गुड न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि फाइनली फ्रॉन्क्स की जो लॉन्च डेट है वो भी लगभग क्लियर हो चुकी है। एंड अभी आप इमेजेस देख सकते हैं क्लियरली, जो फ्रॉन्क्स है वो स्टॉक यार्ड में पहुंचना स्टार्ट हो चुकी है, डीलरशिप्स पर स्टार्ट हो चुकी है पहुंचना। तो आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर फ्रॉन्क्स अवेलेबल हो, आप वहाँ पर टेस्ट ड्राइव वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है। एंड अगर लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो वैसे तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, बट मैक्सिमम लोग र्यूमर्स के अगर माने तो 15 मार्च को फ्रॉन्क्स लॉन्च हो सकती है। एंड मैक्स टू मैक्स मैं आपको ये कंफर्म कर दे रहा हूँ कि मार्च में ही फ्रॉन्क्स लॉन्च हो जाएगी। एंड 90% पॉसिबिलिटी है कि ये 15 मार्च के आसपास इसे लॉन्च हो जाना चाहिए। तो आई गेस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड स्टिल अभी जो प्राइस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा है वो अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि अभी भी स्टिल हमें कोई भी कन्फर्म्ड प्राइजेस पता नहीं चले हैं। तो वो जैसे ही लॉन्च होगी तभी आपको प्राइस भी पता चल रहे होंगे। तो आई होप अब आपका जो वेट, आप लोग सोच रहे थे कि कितना वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा फ्रॉन्क्स के लिए। एंड गाइस वैसे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी फ्रॉन्क्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस कुछ देखेंगे। एंड ऑल्सो अपन ने बेस मॉडल का काइंड ऑफ वॉक अराउंड भी ले लिया था, एंड ऑल्सो अपन ने प्राइस के ऊपर भी डिस्कस कर लिया है, एंड 1.1 लीटर का इंजन ऑप्शन लेना चाहिए या फिर 1.2 लीटर वो भी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रॉन्क्स ही लेना चाहिए या फिर नहीं, कि ऑलरेडी यहाँ पर बलेनो भी है एंड ऑल्सो ब्रेजा भी है। एंड वो बोल रहे हैं इसको कहीं ना कहीं दोनों ही कार के बीच में प्लेस कर रहे हैं। पर्सनली स्पीकिंग जो फ्रॉन्क्स होने वाली है उसकी जो भी डायमेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होने वाली है बलेनो के रिगार्डिंग। एंड ऑल्सो ये कहीं से SUV तो नहीं देखने को मिलेगी, इसकी हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो SUV का जो इसका लुक है वो बस एक फैक्टर हो सकता है कि क्यों आपको फ्रॉन्क्स के ऊपर जाना चाहिए, बाकी पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कोई अदर फैक्टर हो सकता है। एंड कई सारे लोग बोलेंगे कि इसमें एक नया इंजन ऑप्शन भी है। जी हाँ बिल्कुल, 1 लीटर का टर्बो इंजन ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, बट वो सिर्फ आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा, शुरू ऊपर के जो टॉप वेरिएंट है सिर्फ उन्हीं में। एंड अगर आप उनका प्राइस देखेंगे तो वो लगभग 10 लाख के ऊपर ही जाने वाला है ऑन रोड, अगर आप फ्रॉन्क्स का प्राइस देखेंगे। एंड गाइस अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मैं पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा 10 लाख के ऊपर एक ऐसी फ्रॉन्क जैसी कार को। तो वहाँ पर मैं ऑब्वियसली, अगर आप मारुति के ऊपर ही जाना चाहते हैं तो ब्रेजा के ऊपर जा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है यार, ओवरऑल एक परफेक्ट कार है। एंड वहाँ पर आपको 1.5 लीटर का इंजन भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप 10 लाख के ऊपर देना चाह ही रहे हैं तो फिर आप ब्रेजा के ऊपर जाइए। एंड अगर आप स्टिल आप चाहते हैं कि हमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार ही चाहिए है, हमें अच्छे डायनामिक्स चाहिए है, तो फिर वहाँ पर एक और काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है जो कि है Hyundai i20 N Line, जो कि काफ़ी बढ़िया पैकेज प्रोवाइड कराती है अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए, जिसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 10.16 लाख रुपीज़ से। एंड वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम फील कराएगी अगर आप उसका इंटीरियर देखेंगे, फ्रॉन्क्स से भी कंपेयर करेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ पर Hyundai i20 N Line को प्रेफर करूँगा, या फिर Altroz का भी रेसर वेरियंट काफ़ी जल्द आने वाला है, जैसा कि अगर आपने ऑटो एक्सपो में देखा हो तो ये कार्स भी काफ़ी बढ़िया कंपटीशन प्रोवाइड करा रही होंगी। एंड अगर आप बात करेंगे जो फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट होने वाले हैं, यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट बलेनो के जैसे ही देखने को मिलने वाली हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जस्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें आपको लुक्स का, यस गाइस, फ्रंट में इसका एकदम ग्रैंड विटारा वाला लुक है, एंड रियर साइड का भी इसका लुक पर्सनली मुझे बलेनो से तो बढ़िया ही लगता है। तो सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि अगर आपको बलेनो का लुक्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप फ्रॉन्क्स के ऊपर जाइए। एंड अगर और भी आप कॉम्पिटिशन में देखेंगे तो ऑलरेडी एक काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी परफेक्ट कार ऑलरेडी वहाँ पर है, टाटा पंच। जी हाँ गाइस, उसकी भी सेल्स काफ़ी बढ़िया हो रही हैं, टाटा की सेकेंड बेस्ट सेलिंग कार है, तो वो भी एक काफ़ी परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है अगर आपके लिए कॉम्पैक्ट SUV के ऊपर ही जाना है। तो फ्रॉन्क्स से तो पर्सनली स्पीकिंग वो ज़्यादा सेफ भी होगी, एंड जो इंटीरियर का फील है वो आपको कहीं ना कहीं टाटा पंच में ज़्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि अगर आप फ्रॉन्क्स को देखेंगे तो वही सेम इंटीरियर लगभग आपको बलेनो में भी देखने को मिल जाता है, वैसा ही सही कुछ आपको ग्रैंड विटारा में भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड बाकी आप अपने ओपिनियंस भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि क्यों आप फ्रॉन्क्स के ऊपर जाएंगे या फिर क्यों नहीं। पर्सनली स्पीकिंग मुझे सिर्फ फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है। अगर आप फ्रॉन्क्स लेने की सोच रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा उसका जो बेस वेरिएंट होने वाला है आप उसके ऊपर जा सकते हैं, मैंने उस पर वीडियो कर रखी है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड उसके बेस वेरियंट के ऊपर ही होने वाला है, एंड मारुति सबसे पहले इसके टॉप वेरिएंट की डिलीवरी देना ही स्टार्ट कर रही होंगी। सबसे पहले टॉप वेरिएंट ही अवेलेबल होंगे शोरूम में, आई डोंट थिंक सो कि अभी 1-2 महीने बेस वेरिएंट आने वाले हैं। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड ऑल्सो फ्रॉन्क्स में भी CNG आने वाला है, तो मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। एंड स्टिल मैं बोल रहा हूँ यार, अभी भी मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है यार कि मारुति ये कार क्यों लॉन्च कर रहे हैं। एंड लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। रिस्पांस काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है फ्रॉन्क्स को, काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस कार में, एंड लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है ये कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।